मुश्किल ये था कि मतलब अब कोई बड़ा लड़का है घर का तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बिजनेस संभालेगा ये, बचपन से उन्होंने तैयारी कर ली थी। अब हुआ ये कि हमने क्या हुआ कि 8वीं या 9वीं क्लास में हमने रामलीला कर ली मोहल्ले में, लक्ष्मण का रोल कर लिया। अच्छा, और दूध लेने के लिए जाते थे डोल लेके, शाम को निकले तो छज्जी पे खड़ी हुई लड़कियां अपना, अरे देखो लक्ष्मण जा रहा, लक्ष्मण ला बस हुई गवाह फैसला। हमने अपने कहा भाई देख ऐसा है कि अगर वो टाटा बिरला भी जा रहा होता कोई पहचानता क्या उसको, तो पैसा क्या हाथ की मैल ये है। तो बस तब से, और पिताजी ने फिर उसके बाद लतिया दिया कि चलो आड़ निकल दिलीप कुमार बनो जाके, साले देखेंगे जब दिलीप कुमार बन गए कितना पैसा कमाते हैं। तो लेकिन वो सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, हम भी बहुत यंग थे और उनका कहना अपनी जगह उचित था कि भाई ठीक है कुमार जब अपना चला चला है, बिजनेस है, सब कुछ सुविधाएं मौजूद हैं, आपको सिर्फ उसको संभालना है, तो काहे यहाँ बांडगिरी करने जा रहे हो यहाँ पे। और माफ़ कीजिएगा, पहले तो यही बहुत अच्छा भी नहीं मानते थे कि कहाँ, अब थोड़ा वक्त चेंज हो रहा है तो लोगों को मालूम पड़ रहा है, निकल गया वो फेज। हाँ जी, आप किसके कॉमेडी वाले, मतलब कॉमेडी में के सेंस में किसके फैन रहे हैं, डायरेक्टर एक्टर? वो तो क्या है कि अपनी उम्र के हिसाब से बदलता रहा, मतलब शुरू शुरू में तो वो ऐसी फिल्में जो कि मतलब क्या कहते हैं अपना अमिताभ बच्चन की फिल्में और अमिताभ बच्चन की कॉमेडी, और वो ऐसा ही तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ऑल हम पे कर रेस हो या पुलिस का केस हो, तो यही लाइन बोलते रहते थे दिन रात, क्या लाइन बोले यार। या शीशे के सामने जो वो सीन करते थे, कहता है खपला थौबड़ा देख, वो कितनी बार स्कूल में दोस्तों के साथ वो बड़े फेवरेट सीन्स थे। तो उसके बाद जो आगे जैसे थोड़ी शिक्षा बढ़ी तो वो अचानक थिएटर वेटर करने लग गए, तो फिर रुझान जो है वो इधर हो गया कि नसीर साहब भी थिएटर से गए हुए हैं और ओमपुरी साहब भी थिएटर से गए हुए, तो वो एक उम्राई जब लगा कि नहीं है हीरो वीरो राजेश खन्ना वन्ना कुछ नहीं, अमिताभ बच्चन बच्चन भी कुछ नहीं, नसीरुद्दीन शाह। तो उसके बाद फिर नसीरुद्दीन शाह पे फोकस हो गया, तो फिर वो इंटेंस वाले लोड लच्छन लग लगे, आग लगा दूंगा, खा जाऊंगा, ख़त्म कर दूंगा समाज की हद से, वो सब अच्छे लगने लग गई। तो ब्रूसली अच्छा नहीं लगता था, फिर लगता था नहीं ये क्या लड़ना, मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं, सब चेंज रहता होता रहा। तो अभी जो थोड़े से मैच्योर्ड हुए तो अभी समझ में आया कि हाँ एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, हंसी और एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग सिनेमा देखते हैं कल अलग तरीके से। और अगर आपको कोई बात भी कहनी है तो अगर आप हंसते हुए और मजाक करते हुए और मज़े मज़े में कुछ किसी को कह दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके लेक्चर को यार सुनना नहीं चाहता, अपने बच्चे नहीं सुनना चाहते तो दूसरे क्यों सुनेंगे। तो फिर ये अब जैसे इन्होंने नाम दिया ऋषि हो गए, ऋषिकेश मुखर्जी हो गए, या अभी हमारी कई फिल्में बनती हैं रोमांटिक कॉमेडी वगैरह, तो ऐसा लगता है कि भाई इसी पर रास्ते पर चलें, तो इसीलिए इनकी ये स्क्रिप्ट जब सुनी तो मैंने लगा सही है, बहुत अच्छी है, मज़ेदार है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक स्लाइस ऑफ लाइफ भी है जो आपको दिखाता है कि देखिए हम ऐसी ऐसी सिचुएशन में कैसे कैसे कई बार इतनी उम्र होने के बाद भी, इतनी उम्र होने के बाद भी कैसे पुअर तरीके से बिहेव करते हैं। Exactly.